नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने चुनावों में बाधा उत्पन्न करने की नीयत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जीवन और समानता के अधिकार में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने दक्षिणी महासागर साउदर्न ओशियन क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु के पीछे के कारणों का पता लगाया। AMFI CRI SIL की रिपोर्ट के अनुसार 98% शहरी महिलाएं घरेलू वित्तीय निर्णयों में शामिल रहती हैं। 10 छावनी बोर्डों की जमीन के कुछ हिस्से का विलय संबंधित राज्य के स्थायी निकायों में किया जाएगा। खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा विजन लॉन्च किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ने चुनावों में बाधा उत्पन्न करने की नीयत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। आइए खबर की शुरुआत रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालकर करते हैं। चीन ने ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में AI जनित दुष्प्रचार अभियान चलाने का प्रयास किया था। इसके अलावा चुनाव के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से AI जनरेटेड ऑडियो, AI जनरेटेड एंकर, AI एनहांस्ड वीडियो, AI जनरेटेड मीम्स आदि का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब चुनावों में AI से होने वाले खतरों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला है चुनाव व्यवहार को प्रभावित करना। राजनीतिक विज्ञापन भ्रामक और झूठे कंटेंट वाले बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा AI की मदद से इन विज्ञापनों को व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाला बनाया जा सकता है। दूसरा है जनमत को भ्रमित करना। AI के माध्यम से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बयानों को बदला जा सकता है। अलग अलग मुद्दों पर जनता के रुख को प्रभावित किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ घटनाओं की प्रामाणिकता को भी प्रभावित किया जा सकता है। गौरतलब है कि AI की मदद से आसानी से फेक न्यूज बनाई और प्रसारित की जा सकती है। तीसरा है साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे। इसका इस्तेमाल चुनावी अवसंरचना, मतदाता डेटाबेस और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा सकता है। और अंत में विदेशी प्रभाव। AI किसी विदेशी शक्ति को किसी अन्य देश के चुनाव में अपना प्रभाव बढ़ाने और लोगों को झांसे में लाने में भी मदद कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और चुनाव में AI के खतरे को कम करने के लिए क्या कदम आवश्यक है ये समझ लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग को नवीनतम AI प्रौद्योगिकियों की गहरी समझ रखने वाले बाहरी विशेषज्ञ को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जो राजनीतिक उद्देश्यों हेतु AI के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। इसके साथ ही तकनीकी कंपनियों को भारत में गलत और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित होने से रोकने के लिए मेटा फैक्ट चेकिंग हेल्पलाइन जैसे उपाय करने चाहिए। और अंत में सरकार को भ्रम पैदा करने वाले AI के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जीवन और समानता के अधिकार में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ अप्रैल 2021 में दिए गए अपने स्वयं के निर्णय में संशोधन हेतु दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। ये संशोधन याचिका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दायर की है। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात व राजस्थान राज्यों की बिजली कंपनियों को हाई टेंशन बिजली के तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया था। इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिजली के तारों में नहीं फंसेंगे। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने या इसके दुष्प्रभावों से निपटने में वंचित समुदायों की असमर्थता अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है।
उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के कारण होने वाली खाद्य एवं जल की कमी से गरीब समुदाय अधिक प्रभावित होते हैं। इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। पर्यावरणीय समस्याओं को संविधान से जोड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय कौन से हैं, चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। एमसी मेहता बनाम कमलनाथ 1996 वाद। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वायु, जल और मृदा जैसे बुनियादी पर्यावरणीय घटकों में किसी भी तरह के व्यवधान को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के लिए नुकसानदेह माना जाएगा। वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य 1994 वाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार स्वस्थ जीवन के अधिकार का एक अभिन्न पहलू है। अंत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है अनुच्छेद 48A। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा। दूसरा है अनुच्छेद 51AG। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करे एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। चलिए अब बात करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर के बारे में। वैज्ञानिकों ने दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु के पीछे के कारणों का पता लगाया है। स्वच्छ वायु का अर्थ है वायुमंडल में एरोसोल का निम्न स्तर होना। गौरतलब है कि एरोसोल वायु में निलंबित महीन ठोस कणों या तरल बूंदों को कहते हैं। दक्षिणी महासागर के क्षेत्र में वायु में एरोसोल के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी कारणों की बात करें तो इस क्षेत्र में मानव गतिविधियां कम है। इसकी वजह से जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम होता है और उत्सर्जन भी कम होता है। इसके अलावा यहाँ सर्दियों में पादप पलवक यानी फाइटोप्लैंक्टन कम होते हैं। इसकी वजह से सर्दियों में कम मात्रा में सल्फेट कण मौजूद होते हैं। गौरतलब है कि पादप पलवक वायुजनित सल्फेट कणों का एक स्रोत है। स्वच्छ वायु में बादलों और वर्षा की भूमिका की बात करें तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाले बादल दक्षिणी महासागर क्षेत्र की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही खुले मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाले बादल सूर्य के प्रकाश को स्वयं में से गुजरने देते हैं। ये बादल अधिक तीव्र और छिटपुट वर्षा का कारण बनते हैं। यह वर्षा एरोसोल को हटा देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बादल सर्दियों में अधिक बनते हैं। गौरतलब है कि बंद मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाले बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इससे कम वर्षा होती है और इस प्रकार ये बादल एरोसोल को हटाने में कम प्रभावी होते हैं। चलिए अब दक्षिणी महासागर के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह भूगर्भिक दृष्टि से विश्व का सबसे युवा या नया महासागर है। इसके अलावा यहाँ दक्षिणावर्त प्रवाहित होने वाली अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा यानी अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट अधिक है। इसके साथ ही यह क्षेत्र अपनी तेज हवाओं, प्रबल तूफानों, नाटकीय मौसमी बदलावों और ठंडे तापमान के लिए जाना जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं चौथी मुख्य खबर की तरफ। AMFICRISIL की रिपोर्ट के अनुसार 98% शहरी महिलाएं घरेलू वित्तीय निर्णयों में शामिल रहती हैं। AMFICRISIL ने म्यूचुअल ग्रोथ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR और वित्तीय निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महिला LFPR 5 वर्ष पहले 24.5% थी। ये अक्टूबर 2023 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़ों के अनुसार बढ़कर 37.5% हो गई है। देश में 47% महिलाएं स्वयं वित्तीय निर्णय लेती हैं। इतना ही नहीं, वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की स्वायत्तता उनकी आय के स्रोत, आयु और समृद्धि की अवस्था पर निर्भर करती है। वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के महत्व को समझा जाए तो सामाजिक स्तर पर इससे लैंगिक असमानताओं, घरेलू हिंसा और संघर्ष में कमी आती है, जिससे महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि के लिए आवंटित संसाधनों में आनुपातिक वृद्धि होने से अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है। आर्थिक स्तर की बात करें तो वित्तीय साक्षरता और समावेशन के परिणाम स्वरूप परिवारों एवं समुदायों के लिए बेहतर वित्तीय योजना निर्माण व धन प्रबंधन संभव होता है।
वित्तीय मध्यस्थता और बाजार विस्तार में वृद्धि होती है। उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए महिलाओं की प्रतिभा एवं कौशल का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक रूढ़ियां आदि समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। ये महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। दूसरी चुनौती है आर्थिक असमानताएं। महिलाओं की औपचारिक कार्यबल में कम भागीदारी है, वेतन में लैंगिक आधार पर अंतर मौजूद है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल श्रम बल की आय में महिला श्रम बल आय की हिस्सेदारी मात्र 18% थी। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं पर कार्य का दोहरा बोझ है, जैसे ऑफिस और घरेलू कार्य। वहीं महिलाएं घरेलू व देखभाल संबंधी जो कार्य करती हैं, वे अवैतनिक होते हैं और इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता हेतु उठाए गए कदमों पर एक नजर डालते हैं। पहला है वित्तीय समावेशन। पीएम जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC, सखी कार्यक्रम आदि शुरू किए गए हैं। दूसरा है स्वयं सहायता समूह SHGs, ऋण संबंधी सामूहिक निर्णय लेने और महिलाओं के बीच सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा SHGs को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा है उद्यम हेतु सहायता, इसमें स्टैंड अप इंडिया योजना, मुद्रा योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। 10 छावनी बोर्डो की जमीन के कुछ हिस्से का विलय संबंधित राज्य के स्थानीय निकायों में किया जाएगा। आपको बता दें कि छावनियों के भीतर के सैन्य क्षेत्रों को एक्सक्लूसिव मिलिट्री स्टेशन में बदल दिया जाएगा। इन पर सेना का पूर्ण नियंत्रण होगा। आइए सबसे पहले इस कदम के उद्देश्य को समझ लेते हैं। इससे औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने में मदद मिलेगी और शासन संबंधी सुधारों की शुरुआत की जा सकेगी। इसके साथ ही इस कदम से छावनियों में रहने वाले सिविलियन नागरिकों को संबंधित राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इससे रक्षा बलों को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने, अपनी भूमि के प्रबंधन को सरल बनाने और अतिक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वार्षिक रक्षा बजट पर बोझ कम किया जा सकेगा। चलिए अब छावनियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से सैनिकों के आवास होते हैं, हालांकि यहाँ असैन्य आबादी भी मौजूद रहती है। उत्पत्ति की बात करें तो इन्हें 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। गौरतलब है कि ऐसी पहली छावनी बैरकपुर कोलकाता में 1765 में स्थापित की गई थी। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में 61 छावनियां हैं। इनमें से 6 की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद की गई थी। प्रशासन के बारे में बात करें तो छावनियों का स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 3 में उल्लिखित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छावनियों को वर्तमान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छावनी अधिनियम 2006 के तहत प्रशासित किया जाता है। इसके साथ ही अधिसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का समग्र कार्य छावनी बोर्ड्स के पास है, जो कि लोकतांत्रिक निकाय है। ये बोर्ड लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा आदि प्रदान करने जैसे नागरिक कार्य संपन्न करते हैं। गौरतलब है कि छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं और छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। आइए अब छावनी बोर्ड की श्रेणियों को समझ लेते हैं। श्रेणी 1, इसमें 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। श्रेणी 2, इसमें 10,000 से 50,000 के बीच जनसंख्या वाले क्षेत्र शामिल हैं। श्रेणी 3, इसमें 2,500 से 10,000 के बीच जनसंख्या वाले क्षेत्र है। और अंत में श्रेणी 4, इसमें 2,500 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र शामिल हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा विजन लॉन्च किया। इस विजन को दिसंबर 2023 में अपनाया गया था। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के एक व्यापक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यह फ्रेमवर्क असहमति, हिंसा और संघर्ष को दूर करने के लिए चर्चा एवं संवाद को बढ़ावा देता है। सबसे पहले बात करते हैं खाड़ी सहयोग परिषद GCC के बारे में। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। 6 खाड़ी देश यानी संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत
खाड़ी सहयोग परिषद GCC के सदस्य हैं। GCC का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध स्थापित करना है। इसके संगठनात्मक संरचना की बात करें तो सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बनी सर्वोच्च परिषद इस समूह का सर्व प्रमुख प्राधिकरण है। इसमें एक मंत्री स्तरीय परिषद होती है जिसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा विजन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ये विजन सदस्य देशों के साझा भविष्य और अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। यदि इस संगठन के किसी एक सदस्य के समक्ष कोई भी खतरा उत्पन्न होता है तो उसे सभी के लिए खतरा माना जाएगा। सदस्य देश अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग से बचने तथा चर्चा और संवाद को प्राथमिकता देने हेतु संयुक्त प्रयासों पर बल देंगे। सदस्य देशों से आतंकवाद, उग्रवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का आग्रह किया गया है। सदस्य देशों से परमाणु अप्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों का समर्थन करने तथा क्षेत्र को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त बनाने का आह्वान किया गया है। द्विराष्ट्र यानी टू स्टेट समाधान के अनुसार फिलिस्तीनी मुद्दे के उचित समाधान तक पहुंचने के लिए अरब शांति पहल को सक्रिय किया जाएगा और जलवायु परिवर्तन, जल व खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की रक्षा एवं निवेश के अवसर सृजित करने को भी प्राथमिकता दी गई है। आखिर में अब क्षेत्रीय सुरक्षा विजन के महत्व को समझते हैं। ये एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दिशा में सहयोग करने के लिए सभी पक्षों की ओर से कार्रवाई के महत्व को दर्शाता है। ये सदस्य देशों को फिलिस्तीनी समस्या जैसे ऐतिहासिक क्षेत्रीय संघर्षों को हल करने का अवसर प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है इक्वाडोर। इस देश की राजधानी है क्विटो। क्विटो स्थित मेक्सिको के दूतावास में पुलिस की छापेमारी के बाद मेक्सिको ने इक्वाडोर के साथ राजनयिक संबंध निलंबित कर लिए हैं। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का देश है। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर स्थित है, इसलिए इसका नाम इक्वेटर पर रखा गया है। इसकी सीमा उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। ये द्वीप समूह इक्वाडोर की मुख्य भूमि के पश्चिम में है। अब बढ़ते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। भूमध्य रेखा और एंडीज पर्वत श्रृंखला इक्वाडोर से होकर गुजरती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ अमेज़न, गुयास, पुटुमायो आदि हैं। इस देश का सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, तुंगुराहुआ आदि हैं और सबसे ऊंची चोटी माउंट चिम्बोराजो है। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत ने सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। सितवे दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है। ऐसा पहला विदेशी बंदरगाह चाबहार ईरान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन में वित्त वर्ष 2023-2024 में वित्त वर्ष 2022-2023 की तुलना में 27% की वृद्धि दर्ज की गई। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स स्पिन की दिशा में अचानक परिवर्तन का अवलोकन किया है। वैज्ञानिकों ने पोलर वोर्टेक्स की दिशा में परिवर्तन के लिए समताप मंडलीय उष्णता की आकस्मिक घटनाओं को जिम्मेदार माना है। इस उष्णता की वजह से निचले अक्षांशों से आर्कटिक की ओर अधिक ओजोन का प्रवाह हुआ होगा। केंद्र ने हरियाणा के हिस्से वाले सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन ESZ का सीमांकन करने से संबंधित एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। झारखंड राज्य सरकार दामोदर नदी के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए कई कदम उठा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप चीतल हिंडो की आक्रामक रूप से बढ़ती आबादी का सामना कर रहा है। IIT मद्रास के एक अध्ययन से बकिंगम नहर, अडियार नदी और चेम्बरम बक्कम झील में पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंस PFAS की व्यापक उपस्थिति का पता चला है। PFAS को फॉरएवर केमिकल्स के रूप में भी जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन जनित विपदाओं ने चांगपा जनजाति के सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।